बहुत बहुत स्वागत। मैं वो संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही पावरफुल वीडियो। आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो डबल करने में मदद करेगा। सभी बिजनेस ओनर को क्वेश्चन आया है, लॉकडाउन के बाद में हमारा बिजनेस है उसको ग्रोथ कैसे करें, उसमें प्रॉफिट कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाए। अगर बिजनेस का ग्रोथ करने का है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है कि उनकी वर्किंग कैपिटल कैसे इम्प्रोवाइज करें, उनका जो कैश फ्लो है वो कैसा है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो इम्प्रोवाइज करने का है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी मैं देता हूँ, तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप अंत तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। वो स्ट्रेटजी की कैश टू कैश सिस्टम, आपकी जो कैश टू कैश सिस्टम उतनी ज्यादा स्ट्रांग उतना ही ज्यादा आपको बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। तो हम देखते हैं कि आखिर एक कैश टू कैश सिस्टम क्या होती है। कैश टू कैश सिस्टम ये होती है कि आपने जब कोई भी मटेरियल परचेस करने के लिए जो आप कैश स्पेंड करते हो वो कैश रिकवर करने के लिए आपको कितना समय लगता है, उसका साइकिल कितना है, वो ज्यादा डिपेंड होता है आपका इन्वेंटरी रोटेशन करने के लिए और प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अगर कैश आप स्पेंड करते हो तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल से आप इन्वेंटरी परचेस करते हो, इन्वेंटरी से आप फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके फिनिश गुड होते हैं, फिनिश गुड आप सप्लाई करते हैं आपके क्लाइंट को और क्लाइंट उसके बाद में आपको पैसा देता है जो भी आपके पेमेंट टर्म डिसाइड हो गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पूरी साइकिल है उसको बोला जाता है कि कैश टू कैश सिस्टम। जितना कैश टू कैश सिस्टम कम से कम दिनों में पूरा होता है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट हम लाते। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल से इन्वेंटरी का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल में आपका 15 डेज का है और इन्वेंटरी से लेके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो 30 डेज का है और मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका जो प्रोसेस है क्लाइंट को मटेरियल सप्लाई करने का वो आपका 15 डेज का है और क्लाइंट जो आपको पैसा देता है उसका जो पेमेंट टर्म है वो 30 डेज का है। ये जो पूरी सिस्टम है आपको ये सिस्टम में आपको 90 डेज लगते हैं पूरी साइकिल पूरे होने के लिए। अगर आप थोड़ा उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल से लेके इन्वेंटरी तो उसको आप इम्प्रूव करो 15 डेज से लेके 10 डेज तक रिड्यूस करो और इन्वेंटरी से रॉ मटेरियल का जो 30 डेज का पे 30 डेज का जो साइकिल है उसको 10 डेज तक आप रिड्यूस करो और जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है वो सप्लाई करते हैं आपके जो डेटर्स को उसके लिए वो 15 डेज का साइकिल है आपका रूटीन वो 10 डेज तक रिड्यूस करो और आपके जो भी डेटर्स का पेमेंट टर्म्स है वो नॉर्मल 30 डेज है। अगर आप उसको 30 डेज से लेके 15 डेज तक कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो पूरा साइकिल है वो बन जाता है 45 डेज का, यानी आपके पहले 90 डेज का जो साइकिल है वो पूरे साल में 4 साइकिल पूरे होते थे, अभी जो पूरा आपका कैश टू कैश साइकिल है वो 45 डेज का बन गया है। मीन्स आपका जो पूरे साल में पूरा कैश टू कैश साइकिल जो है वो 4 साइकिल से लेके ईयर में 8 साइकिल तक हो जाएगा। इसका मतलब है आपका जो टर्नओवर है डबल होगा और आपका जितना टर्नओवर डबल होगा उतना ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी डबल होगी। ये आप कैसे कर पाएंगे, तो आपका जो रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उसको आप बात करो, उससे जल्दी से जल्दी ऑर्डर देने के बाद आपको सप्लाई कैसे हो जाएगा, आप नया नया सप्लायर डेवलप करो ताकि आपके जो भी रॉ मटेरियल है आपकी जो इन्वेंटरी है आपके फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जल्दी आएंगे। आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका प्रोसेस कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकेंगे ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम समय लग के आपका जो रॉ मटेरियल का जो भी साइकिल है वो कम होते रहेगा। दूसरा है आप
आपका फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको इम्प्रोमाइज लाना पड़ेगा। तो आपकी जी एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी उसको इम्प्रोमाइज करो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ऑटोमेशन कैसे ला सकेंगे, उसमें क्वालिटी चेकिंग के लिए आपका जो प्रोसेस है वो मिनिमाइज कैसे कर सकेंगे, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग प्रोसेस है उसको आप स्पीड अप कैसे कर पाएंगे, ताने आपका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 30 डेज से लेके आपको 10 डेज तक लाने का है, ये सब प्रोसेस डिफाइन करो। दूसरा है आपके डेटर्स, डेटर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बाद जो भी आपको मटेरियल आपको आपके जो क्लाइंट है उनके पास आपको सप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको आपकी लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या है, न्यू सप्लायर आप कैसे डेवलप कर सकेंगे ताकि आपकी जो डेटर्स की जो प्रोसेस है 15 डेज से लेके 10 डेज तक आ जाएंगी। और दूसरा है कि कैश, कैश मीन्स डेबिट डॉट, जो भी डेटर्स को आपने जो सप्लाई किया है तो उसका जो पेमेंट है आपको 30 से लेके 15 डेज तक लाना पड़ेगा। आपके जो करंट जो सप्लायर थे तो उनको आप सडनली चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप नए नए जो जो क्लाइंट है वो डेवलप करो। आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है उसको सब जगह से आप स्प्रेड करो ताकि आपकी जो एवरेज पेमेंट टर्म्स है वो 15 डेज तक कैसे आ पाएंगे। मैं भी खुश रहेंगे कि आप कुछ सप्लायर्स को आप 45 डेज तक दे रहे, मगर कुछ सप्लायर को आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप 7-8 डेज, या कुछ सप्लायर को आप एडवांस में भी पेमेंट लेके सप्लाई कर सकते ताकि आपका जो एवरेज पेमेंट टर्म्स है वो आपका 15 डेज तक आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है आपको ओवरनाइट नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आपके टीम के साथ बैठ के आप स्ट्रेटजी बनाओ, आपको आगे जाके एक्शन प्लान बनाओ ताकि ये जो कैश टू कैश पूरी साइकिल है वो आप कैसे रिड्यूस कर सकेंगे और आफ्टर लॉकडाउन है आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा। जो भी आपकी कोर टीम है उसके साथ आप स्ट्रेटजी बनाओ, डिस्कशन करो, आपके जो भी परचेस पर्सन है, आपका जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है, आपका जो भी फाइनेंस मैनेजर है, उनसे आप पूरी तरह से डिस्कस करके एक स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान बनाओ ताकि आपकी जो पूरी जो कैश टू कैश साइकिल जो है वो 45 डेज या उससे कम आ सकेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, और आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेशन देती है कि नए नए वीडियो लाने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो आप शेयर करो ताकि वो जो लोग हैं वो बिजनेस करते हैं उनको ये वीडियो से हेल्प हो जाएंगी अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।